अस्सलाम वालेकुम डिवाइसमैन के साथ मैं लदा। आज भाई हम आपको एक ऐसे कीपैड फोन के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही एक यूनिक से मॉडल है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस तरह के भाई हमने आइटल के कीपैड के फोन के बारे में भी आपको बताया, मी मोबाइल्स के फोन के बारे में भी आपको बहुत ही ज्यादा वीडियो बनाई, जिस तरह के कीपैड की मैंने वीडियो बनाई लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल की, जिस तरह फोल्ड फ्लिप वन फ्लिप टू, जिस तरह हर फोन की मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, इसी तरह भाई आज हम जिस फोन के बारे में बात करने वाले हैं वो G5 के तीन ऐसे यूनिक से मॉडल हैं जिनके बारे में भाई बहुत ही एक लेटेस्ट क्वालिटी में फोन देखने को मिलते हैं। इस तरह भाई अगर मैं इन फोन की बात करूं तो भाई G5 ने भी हमें एक नहीं दो नहीं पूरे तीन नए मॉडल दिए हैं जो भाई आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और उनकी क्वालिटीज के बारे में बताएंगे। जिस तरह भाई हमें बड़े फोन तो लेते हैं तो बड़े फोन वाला स्टाइल कीपैड फोन वालों कीपैड फोन में भी हमें देखने को मिलता, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो इन फोनों की अगर मैं बात करूं तो भाई G5 हमें सबसे अगर मैं पहले बात करा प्रो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई इसके अलावा प्रो बस ये जो G5 का जिस तरह के हमें सैमसंग का एक बहुत ही लेटेस्ट वर्जन में फोन देखने को मिलता है, उसकी शेप का एक फोन देखने को मिलता है। इस तरह अगर बात करें तो G5 ने एक बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही एक डबल कैमरे वाला फोन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही यूनिक से G5 कंपनी की तरफ से हमें फोन देखने को मिलते हैं। What? इन सबको करते हैं अनबॉक्स और इनकी हकीकत आपको बताते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, हमको सिखा रही। सबसे पहले चैनल पे आने वाले भाई लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, ताकि भाई सब्सक्राइबर जरा थोड़े से रुके हुए हैं, सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कर दो क्योंकि भाई यार सब्सक्राइब करोगे तो अच्छी अच्छी वीडियो आपको आसानी से मिलेंगी। चले आए वॉच करते हैं और बकायदा इन तीनों मॉडल्स की हम अनबॉक्स करते हैं और बकायदा आपको इनकी वीडियो में बताते हैं कि भाई इनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं और किन किन शेप में ये देखने को मिलते हैं। जिस तरह मैं इन तीन G5 के कीपैड फोन्स की अगर बात करूं तो भाई यार ये हमें बहुत ही मजे की सबसे पहले जो इनमें बात है वो यही है कि भाई पहले तो 12 मंथ की आपको वारंटी मिलती थी कि भाई यार 12 मंथ बेफिक्र हो जाओ, एक साल की आपको इसकी वारंटी मिलती है कि भाई यार बेफिक्र हो जाओ, कोई भी अगर मसला हो तो ये G5 कंपनी आपको हल करके देगी। तो आजकल भाई यार एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल गया कि भाई यार 2 साल की वारंटी दो, और रियलमी कालमी कंपनी ने भी और G5 कंपनी ने भी हमें भाई 12 जमा 6 18 साल की वारंटी 18 मंथ की वारंटी हमें देखने को मिलती है। तो ये बोई बहुत ही अल्ट्रा प्रो फोन G5 कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है। इसके अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो भाई ये 2.8 का इसका बहुत ही एक अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है, 32 GB तक कॉल सपोर्टेड मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो 3000 mAh की पावरफुल बैटरी आपको देखने को मिलती है, डुअल सिम का ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और बकायदा इसकी टेस्टिंग करवाते हैं। पैकिंग भी भाई जरा G5 कंपनी ने एक लेटेस्ट क्वालिटी में कर दिया कि भाई यार अभी पुराने वाले शशके खत्म कर दो, अभी नई चीजें आएंगी तो नई चीजें तो धमाका करेंगी बहुत ज्यादा। डिवाइस को साइड पे करते हैं, एक वारंटी कार्ड एक साल की वारंटी के साथ हमें देखने को मिलता है G5 कंपनी की तरफ से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई एक चार्जर मिलता है और आपको 3000 mAh की एक पावरफुल बैटरी G5 कंपनी की तरफ से देखने को मिलती है। चले डिवाइस की बात करते हैं तो डिवाइस को अनरैप करते हैं तो भाई यार ये तो 14 Pro Max ही निकल आया गोल्ड कलर में, भाई सोने वाला फोन है, बहुत ही एक अच्छा 3 कैमरा स्टाइल में हमें G5 कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है। और इसकी अगर मैं लुक की बात करूं तो भाई यार ये तो लग रहा है एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फोन G5 कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिलता है। बैटरी की बात करूं तो भाई यार 3000 mAh की एक पावरफुल बैटरी हमें देखने को मिलती है इसके साथ। तो भाई इस पावरफुल बैटरी को मैं अगर इसमें इंस्टॉल करना चाह रहा हूं तो बहुत ही एक गोल्ड मटेरियल वाली बैक उन्होंने बना दी है कि बेफिक्र हो जाओ,
आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो दो सिम्स की ऑप्शन है, एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है और 32 GB तक भाई मेमोरी कार्ड सपोर्टेड फोन है। तो चलो इसमें बैटरी लगाते हैं और आपको इसको ऑन करके इसके डिस्प्ले के बारे में बताते हैं। डिस्प्ले की मैं अगर बात करूं तो भाई ये 2.8 का बड़ा डिस्प्ले बनाया कि छोटे डिस्प्ले अभी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि G5 बड़े बड़े धमाके करने वाला है, अच्छी अच्छी डिवाइसेस हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें G5 की बात करूं तो बहुत ही एक अच्छा बेहतरीन सा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, सारे मूड वही दिए गए हुए हैं और गेम्स की ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलती है, स्नेक्स वाली गेम, सांप वाली गेम भी आपको इसमें देखने को मिलती है, जो भाई पहले नोकिया के फोनों में आपको देखने को मिलती थी। तो ये तो हो गया भाई यार ये प्रो मैक्स। तो अगले सेट की अगर तरफ चलते हैं तो भाई यार दूसरे सेट को करते हैं अनबॉक्स और बकायदा उसकी आपको टेस्टिंग करवाते हैं। ये तो भाई प्रो हो गया। इसके अलावा अगर इस फोन की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा भाई G5 प्रो हमें देखने को मिलता है। इसकी अगर बैटरी की बात करें तो भाई यार ये भी 3000 mAh वाला फोन हमें देखने को मिलता है। इस तरह अगर बात करें तो 2.8 का इसका भी डिस्प्ले है। इसको करते हैं अनबॉक्स और आपको इसकी करवाते हैं टेस्टिंग। जिस तरह अगर बात करूं तो इसकी भी यार पैकिंग आपको बहुत ही एक अच्छी यूनिक सी पैकिंग देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छा और मुनासिब प्राइस टैग वाले फोन। बेफिक्र हो जाओ, अभी भाई बड़े फोनों वाले शशके होने वाले हैं, क्योंकि ये तो भाई जो सैमसंग के लेटेस्ट फोन है उनकी शेप को कॉपी किया गया हुआ है कि भाई यार हम किसी से कम नहीं है। हमारे कीपैड वाले भाई परेशान ना हो, अभी वो फोन लेके घूमेंगे लगेगा कोई भाई यार बड़ा ही फोन पकड़ा हुआ है। तो आज इस फोन की मैं बात करूं तो इसका भी डिस्प्ले आपको 2.8 इंच का बहुत अच्छा डिस्प्ले मिलता है और टच स्टाइल में ही सारे बटन इसमें दिए गए हुए हैं। साइड पे टॉर्च का बटन दिया गया हुआ है और आपको चार्जर जैक नीचे देखने को मिलता है और एक हैंड फ्री का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। टॉर्च की बात करें तो बहुत ही अच्छी टॉर्च भी दी गई हुई है कि बेफिक्र हो जाओ भाई, कहीं भी जाओ परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी भाई बहुत से अच्छे अच्छे सेट आएंगे। तो आपको एक साल की वारंटी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई क्या धमाका कर दिया कंपनी ने, कहा भाई यार इस फोन के साथ आपको एक सिलिकॉन पाउच देखने को मिलता है। भाई यार G5 भी अभी कीपैड वाले फोनों के साथ कवर्स भी दे रही है, तो बहुत ही मजे की भाई यार ये बात है कि भाई यार G5 कंपनी भी हमें कवर्स देखने को मिलते हैं। भाई यार इस पे जरा लगाते हैं और कवर का शशका भी आपको दिखाते हैं लगा के कि भाई यार बेफिक्र हो जाए, जो सेट को 2 साल चलना है ये देखें भाई यार ये कवर्स बहुत ही अच्छा इसमें फिटिंग है और बहुत ही मजे की क्वालिटी वाला कवर आपको देखने को मिलता है। इसको रखते हैं साइड पे और अगली डिवाइस की तरफ अगर चलते हैं तो अगली डिवाइस इससे भी ज्यादा धमाका करने वाली है, क्योंकि भाई यार ये भी बहुत ही एक अच्छी यूनिक सी डिवाइस है। इसमें भी आपको 2.8 वाला ही डिस्प्ले में देखने को मिलता है, 3000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, डुअल सिम ऑप्शन, इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग और इसके अलावा एक बड़ी धमाकेदार शेप। तो शेप्स की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा धमाका होने वाला है, क्योंकि भाई यार ये शेप उन दोनों से जरा डिफरेंट होने वाली है। इसके साथ भी आपको एक साल की वारंटी देखने को मिलती है, बैटरी देखने को मिलती है और भाई यार इस सेट को देखें बहुत ही यार क्या कमाल चीज दासू चीज बना दी गई हुई है। ये देखें जरा लेंस स्टाइल, जरा डबल कैमरा स्टाइल और ये सेट इन दोनों से जरा डिफरेंट बना दिया गया हुआ है। तो देखते हैं भाई डब्बे में हमें और क्या क्या चीज देखने को मिलती है। इसके साथ भी भाई कवर आपको देखने को मिलता है, बहुत ही मजे के सिलिकॉन पाउच भी अब कीपैड वाले फोनों के साथ आएंगे। तो भाई यार टच फोन के साथ तो भाई कवर नहीं थे आ रहे, तो भाई कीपैड के साथ भाई कवर आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही मजबूत फोन है। इन तीनों फोन्स की बात करें तो भाई यार ये बहुत ही मजे के G5 ब्रांड की तरफ से हमें फोन देखने को मिलते हैं कि इंतहाई बड़े मकूल रेट के और बहुत ही मुनासिब प्राइस टैग में आपको ये तीनों फोन देखने को मिलते हैं। 3000 mAh की तीनों में बैटरी है, 2.8 का इसमें पावरफुल डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है कि भाई यार G5 बहुत ही ज्यादा धमाके कर रही है, जिस तरह एयरटेल ने पहले पहले किए, अभी एयरटेल ने बहुत ज्यादा बड़ा धमाका किया। तो उम्मीद है कि भाई यार G5 भी इस तरह कोई धमाका करेगी कि लोग परेशान हो जाएं और ये कीपैड फोन
ज्यादा परचेज करें। तो बहुत ही एक अच्छे और मजे के कीपैड फोन है। जिस भाई को इनमें कौन सा ज्यादा पसंद आया हो अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा, और आपको जो सबसे अच्छा लगा हो उसके बारे में भी आप कमेंट्स में हमें बताएं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की मजे मजे की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जल्ला हाफिज़।